मेथड्स हैं एक्ने ट्रीट करने के, उनमें एक ओरल आइसोट्रेटिनोइन है. ये इंटरनेशनली एक जो है यूज किया जाता है, चाहे अमेरिका में है चाहे इंग्लैंड में है. बाकायदा इसका एक प्रोटोकॉल होता है, इसको फॉलो करके और आपको देना होता है, क्योंकि ये इसके टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं. यानी कि अगर दौरान इसके खाने के अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको ऑब्वियसली इसको टर्मिनेट करना पड़ता है. इसकी वजह से इसके लिए थोड़ी सी एक आपको ब्रीफिंग देनी पड़ती है पेशेंट को, कि उसको पता होगा भाई इस दवाई के ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट है. कई लोग इसको कहते हैं ये जहर है, ये फलाना, ये ऐसा कुछ नहीं होता. वरना ये ऑब्वियसली अमेरिका या इंग्लैंड में क्यों दिया जा रहा होता, वहीं से तो सारी रिसर्चेज हमारे पास आ रही होती है. तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप दें 3 से 6 महीने से ज्यादा आप इसको नहीं दे सकते एक रिक्वायर्ड डोज के अंदर. 6 महीने बाद जब आप बंद करते हैं इसको, तो इसका इंसिडेंस ये नहीं है कि अब नेक्स्ट टाइम ये दोबारा नहीं होगी. इनका सवाल ये था कि भाई मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं कि नहीं हो, ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट टाइम जब होती है तो उसकी इंटेंसिटी, इसकी सिवेरिटी पिछली दफा वाले से काफी कम होती है. अगर पहले आपका मुंह पूरा दानों से भर गया था तो ये हाईली अनलाइकली है कि इस दफा आपको अगर एक्ने निकलती है 3-4-6 महीने के बाद, तो वो उतनी ही सिवेरिटी से निकले. फिर 2-4-6 दाने बस ने हल्के फुल्के निकलेंगे, जिसको आप बगैर रेटिनॉइड खाए हुए आप जेल से और क्रीम से कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन कई लोगों में जो कि बहुत एक्सेप्शनली है, जिसकी बहुत सिवेरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्ने होती है, जिसे हम नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने कहते हैं, अगर वो लोग हैं और वो इतनी सिवेरिटी से थी, तो वो नेक्स्ट टाइम थोड़ी फिर होती है और आपको दोबारा एक दफा 2-3 महीने का एक कोर्स आप कर सकते हैं ओरल आइसोट्रेटिनोइन का. लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज लोगों का है. ऐसा नहीं होता कि वो इतनी एक्सेजरेशन में कभी भी दोबारा वापस नहीं आती, अनलेस अंटिल कि कोई और प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई आपने गलत किस्म का मेकअप, क्योंकि ऐसे लोगों की स्किन भी सेंसिटिव होती है, तो उनको उसको टेक केयर करना चाहिए. नहीं कि एक्ने साफ आप वापस से जो दिल चाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. मेकअप खवातीन में इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे उन्होंने फाउंडेशन या केकी मेकअप करने शुरू किए, उनके पोर्स क्लॉग हुए और वापस एक्ने निकलती. तो इसलिए इस चीज का ख्याल करना बहुत जरूरी है कि अब आप सेंसिबिलिटी के साथ अपने आप को अगर मेंटेन करेंगे तो एक्ने का इंसिडेंस कम आएगा. राइट, एंड वी हैव अ कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम सलाम. जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं इमदाद खोसा बात कर रहा हूँ. जी जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी ये मुंह पे दाने और नाक पे दादी हैं, वो ने फेस पे आपके पूरे दाने हैं? जी पूरे दाने. ठीक है, ऑयली स्किन है? जी जी. कोई ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं आप? जी कोई कुछ किया इसका, कुछ इलाज वगैरह कुछ लगा रहे हैं फेस पे, कोई क्रीम? जी नहीं, मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा. ठीक है, कुछ आप पूछ? ठीक है, नहीं बस मैं बता रहा. चलें आपको ऑन एयर जवाब देते हैं. ये भी यही मसला है, वही एक्ने का, दानों का. ये हमारे यहाँ का बहुत कॉमन मसला है. एक तो ऑयली स्किन, ऊपर से हमारी ह्यूमिडिटी का ह्यूमिडिटी हो गई साथ में, ये सब चीजें जब आती हैं और पोर्स क्लॉग होते हैं. पोल्यूशन का भी है कि लोगों को जो हाइजीन, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मुंह धोना इसमें जरूरी है. और उसके साथ आप कोई भी माइल्ड सा जितने भी अच्छे फेस वॉशेज आते हैं अगर यूज कर लें, तो आपके पोर के ऊपर से गंदगी हट जाती है. पोर की ब्लॉकिंग बेसिकली मेन फैक्टर होता है और उसके ऊपर बैक्टीरिया आते हैं, तभी जाके ये एक्ने का दाना बनता है. अच्छा। आप अगर उसकी क्लेंजिंग को रखेंगे, अब घर में क्या आजकल रिवाज है, हर पार्लर में जी उसके ब्लैक हेड निकल रहे हैं, वो पोर क्लेंजिंग के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं. आप इतना ज्यादा उसके साथ इंटरवेंशन उसके साथ कर रहे होते हैं स्किन के साथ, कि वो बेचारे पोर इतने इतने चौड़े चौड़े खुले रह जाते हैं. फिर वो आती है, देखे मेरे तो अब चेहरा बुरा लग रहा है, मेकअप भी फटाफटा लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर इतने खुल गए सुराख. तो आप उसको साथ एक्सेसिव जो है छेड़छाड़ ना करें, और जो चीजें जैसी है नेचर के साथ उनको तमीज के साथ आप फेशियल करें. होता है कि व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते भी नहीं है, लेकिन बार बार प्लग करा रहे होते हैं, वही कॉन्सेप्ट है. या किसी पार्लर वाले ने देखा और कहा कि भाई ब्लैक हेड्स नजर आ रहे हैं, आपने फॉरन मान लिया, आपने फॉरन मान लिया और फॉरन करा लिया कि भाई आप उसको एक्सपर्ट समझते हैं. लेकिन वो अपने मनी मेकिंग के चक्कर में आपको एक उस गलत चीज. पार्लर है हमारे पास आते हैं साके भाई सभी भाभी के जो है, वहां से आप चाहे हेयर कट करा लें, चाहे कोई एक प्रोफेशनल टच आता है. अगर आप अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं, देन जैसे मेरे पास ईद से पहले सारे लोग व्हाइटनिंग फेशियल और उसके बाद चेहरे पे सारा चेहरा जलावा. आप सोच नहीं सकती कि इतनी बेचारी औरतें परेशान, वो अपनी अम्मियों के घर आ रही हैं, वहां से छुप छुप के जाके डॉक्टर को दिखा रही है, सास ना देख लें. मतलब ये सोशल इश्यूज हैं बिल्कुल, और इनसे हमें जूझना होता है, क्योंकि ईद सर पे होती है. और अब वो कहे कि 2-3 दिन के अंदर ये स्किन मेरी ठीक हो जाए, वरना मेरी सास तो मुझे मारेंगी, मेरी नन मुझे बातें सुनाएगी. और ये वो चीजें बींग औरत हमारे पास पेशेंट्स आके वो मेल डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके ये चीजें नहीं कह पाती. बिल्कुल ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जैसे हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो आदमी नहीं कर पाता. एग्जैक्टली, तो वो फिर आपको इमरजेंसी में जी उनके ऐसे साथ क्रीम्स लगा रहे हैं कि भाई वो स्किन पील हो जाए. तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है? बिल्कुल, हम लोग जाते हैं अनप्रोफेशनल लोगों के पास. अगर हम ऐसे लोगों के पास जाए, ठीक है, इतना ज्यादा प्राइस रेंज का फर्क भी नहीं होता. अब तो एवं लोग भी इतना ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, तो व्हाई डोंट, अगर आप थोड़े से पैसे और जमा करके 1 महीने के बाद 2 महीने में फेशियल करा दें उसके बदले, लेकिन अच्छी जगह जाके कराएं, ताकि आपको यकीन है कि उन्होंने जो चीज लगानी है उनको पहचाने आपकी स्किन की, और उसके बाद फिर वो जाकर आपको
उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज की ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। वेरी वेल सेड। बस ये हमारे जो हमारी स्पेशली जो खवातीन है उनसे मैं कहूंगी कि थोड़ी सी अक्ल आ जाए। आई मीन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और जो गली गली में सलून्स खुल गए उनके पास क्वालिटी वर्क नहीं होता। फॉर गॉड सेक्स, ये जो गली गली के स्कूल्स हैं और जो सलून्स हैं वहां ना क्वालिटी एजुकेशन होती है और ना क्वालिटी वर्क होता है। सो प्लीज गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन। एंड वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं गजल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी गजल, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। ठाक। अच्छा मैं डॉक्टर साहब से पूछना था। मैंने ना पिछले दिनों ना एंटी रिंकल एक क्रीम इस्तेमाल की जी, मतलब मशहूर कंपनी की है, ठीक है। उसने के दो दिन मैंने इस्तेमाल तो की, लेकिन उससे मेरे चेहरा ना मतलब अजीब सा उठ के दाने दाने से उठ गए हैं। हालांकि मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, तो अजीब से दाने भी बन गए और मतलब अजीब सी वो खुदरी खुदरी सी हो गई है। मैंने वो स्टॉप तो कर दिया लगानी, लेकिन अब मैं क्या करूं कि ये ठीक हो जाए? तो आपकी मतलब पहले स्किन कैसी थी? ऑयली थी, कॉम्बिनेशन थी या ड्राई? नॉर्मल नॉर्मल थी। कभी आपको दाने नहीं निकलते थे पहले? नहीं नहीं, मुझे दाना कभी कभार एक आध निकला था। सिंपल तो ठीक है। चले मैं इसका आंसर कर देती हूँ। ऑनर रिप्लाई करते हैं गजल। थैंक यू दिया। देखिए जो भी एंटी एजिंग कंपनी की एंटी एजिंग क्रीम की बात कर रही हैं, तो इसमें ये होता है कि इनमें ऑब्वियसली थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट और ऑयल कंटेंट एज कम्पेयर टू आम क्रीमों के ज्यादा होता है। दूसरा ये कि इनके अंदर रेटिनॉल होता है, जो कि ऑब्वियसली एंटी एजिंग के लिए जरूरी होता है। ये चीजें अगर कई किसी को सूट नहीं कर रही बिकॉज ऑफ द या तो ऑयली नेचर या रेटिनॉल, तो स्किन को इरिटेट करता है, बर्न करता है, हल्का हल्का जलन सी होती है, और एज अ रिएक्शन टू दैट स्किन पे छोटे छोटे दाने होते हैं। ऐसा तब भी होता है जब आपको मेकअप की चीजें सूट नहीं कर रही होती हैं और करते हैं, आपको महसूस होता है कि छोटे दाने आ गए। सेम गोज फॉर दैट। अब इस केस में ये इनको रिएक्शन हुआ, बहुत अकलमंदी का काम था कि इन्होंने इसको दो दिन के बाद बंद कर दिया। ये बहुत ही सेंसिबल था। अब ये जो दाने आ गए हैं, और चूंकि इनकी स्किन की भी टेंडेंसी रही है कि कभी ऑफ एंड ऑफ कुछ ऑफ एंड ऑन आता रहा है, उस केस में इनको एक्नी से रिलेटेड जो मेडिकेशन है वो डॉक्टर के पास जाके दिखा लें। अगर ये काफी ज्यादा है तो वो ओरली देंगे, वरना सिर्फ टॉपिकली लगाने की एरिथ्रोमाइसिन की जेल आती है, क्लिंडामाइसिन की जेल आती है, इस तरह के रेटिनॉइड भी आते हैं टॉपिकल जो आप लगाते हैं, तो इससे ये मामला कंट्रोल में आ जाएगा। और फॉर नेक्स्ट टाइम के लिए वो बजाय पूरे चेहरे पे लगाने के पैच टेस्ट हमेशा कर लें कोई क्रीम का। अक्सर जगह तो ट्रायल्स हो रहे होते हैं कि भाई ये नई क्रीम आई, अक्सर एड जब नई कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, आप उसको लगा के किस्से पे अपने टेस्ट करें फॉर 24 आवर्स। अगर आपको कोई रिएक्शन या इस तरह की चीज नहीं होती, देन फिर आप उसको पूरा लें, क्योंकि ये कोई भी क्रीम सस्ती भी नहीं होती है रेटिनॉल्स वगैरह की। तो आप इस तरह से पैच टेस्ट करके देख लें और फिर उसके बाद उनको यूज करें, तो फिर आपको सही लगेगा, वो बेहतर। प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती एक्चुअली, यही होता है। वो चीज लॉन्च होती है, हमने टीवी पे देखी, ली जाके खरीद ली। अब हर समझता है कि घर में अगर 6 लोग हैं, 6 के 6 लोग लगाएंगे तो उसका असर होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक की स्किन अलग है, हर एक की स्किन की सेंसिटिविटी अलग है, और हर एक का क्लेंजिंग के मेथड अलग है। कुछ तो साफ ही नहीं करते और कुछ वाकई बहुत मेहनत भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि तमाम खवातीन ख्याल नहीं करती, कॉटन वूल्स लेती हैं, अपने टोनर होते हैं, इनके मॉइस्चराइजिंग लोशन होते हैं, मास्क होते हैं, एवरी संडे या हफ्ते में एक दफा वो लोग टाइम देती हैं, खुसूसन लड़कियां बहने कजन मिलकर कर रही होती हैं। तो ये एक अच्छी बात है, आप इसको प्रमोट करें कि हाँ चलो घर में ही बैठ के सही, लेकिन जो लोग गाइड कर रहे हैं वो सिंसियर सही काम के साथ, और ये सोचें कि ये उनका फेस नहीं है, आपका फेस है, आपकी स्किन है। और जितनी ज्यादा मतलब ये टची चीजें होती हैं अब तो, और आजकल के जमाने में तो जो हमारे जो जेंट्स हैं माशाल्लाह, वो भी इतने ज्यादा उनमें एक अवेयरनेस आ गई है टू कीप देम यू नो एक जरा अच्छे तरीके से रखना अपने आप को एंड ऑल। खैर तो वी हैव अ कॉलर, अब हम कॉलर को इतना इंतजार करवा देते हैं, कॉल ड्रॉप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी प्यारी सी आवाज, किसकी है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बहुत प्यारी लगी और आपके ड्रेसेस तो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों को पसंद आते हैं, बस कोशिश ये होती है कि आप लोगों को अच्छा लगे, हम जो बोलें, जो पहने, जो कहें, और हमारा ये शो। जी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैं, मेरा नाम अलिशबा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी अलिशबा, मुझे फर्स्ट तो ये जो आपकी स्किन स्पेशलिस्ट है इनका कोई जो है एड्रेस बता दीजिएगा, ताकि मैं इनके पास जाके अपनी ठीक है बिल्कुल। और सेकेंड कि मेरी स्किन वैसे माशाल्लाह बहुत क्लियर है, लेकिन मुझे जो है 2-3 वीक्स पहले चिन पे जो है पिंपल्स हुए थे। अच्छा। तो 2 पिंपल्स हुए थे, वो खत्म हो गए, इसके बाद उनके ब्लैक स्पॉट्स रह गए, तो वो बहुत बुरे लगते, तो मुझे कॉम्पैक्ट से छुपाने पड़ते हैं। अदर देन दैट मेरी स्किन क्लियर है, तो ब्लैक स्पॉट कभी रेड होते हैं, वरना ज्यादातर ब्लैक ही रहते हैं। ठीक है अलिशबा, व्हाट्स योर एज? ब्लैक स्पॉट हटे कैसे, वरना मेरी पूरी स्किन क्लियर है, मैं बस उन 2 ब्लैक स्पॉट्स की वजह। अच्छा, आपकी एज क्या है और थोड़ा सा सन एक्सपोजर है क्या आपका?
अलिश भाई उदय, मेरी एज पूछ रही हैं? हाँ एज पूछ सकती हूँ। मेरी एज 22 है। 22 है और थोड़ा सा आउट गोइंग आपकी ज्यादा है, सन एक्सपोजर वगैरह है आपका ज्यादा? जी यूनिवर्सिटी वगैरह है। आई सी, हाँ वो भी तो एक नॉर्मल की वजह से। मेरी स्किन बहुत क्लियर है, बस वो ब्लैक स्पॉट पिंपल हुए थे जिसकी वजह से पोर्स ओपन हुए। चले वो जो नजर का टीका आपको लगा हुआ है हम उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करें। ठीक है अलिश भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड योर कॉल। देखिए अलिशबा के पहले क्वेश्चन का आंसर कि वो मुझे कहाँ ढूंढ सकती हैं, तो वो नेशनल मेडिकल सेंटर कालापुल पे, जैसे मैं हमेशा बताती रहती हूँ, रोजाना सुबह होती हूँ मैं, इसके अलावा पार्क लेन पे बाय अपॉइंटमेंट होती हूँ, और उसके अलावा मैं जमजमा पे होती हूँ, बटलर्स चॉकलेट कैफे के सामने मेरा क्लिनिक है, स्किन एंड लेजर बाय शहनाज के नाम से। कॉन्टैक्ट नंबर तो शायद फिर मुझसे मुलाकात कीजिए, और उसके बाद यह है कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर तो स्क्रीन पे चल रहे होंगे, तो वो मुझे ढूंढ सकती हैं उधर से भी। और इसका ये जो बात ये कह रही है कि ऑब्वियसली ऐसे कभी कभार हो जाता है आउट ऑफ हार्मोनल या कुछ कि आपके चिन पर या कहीं पर भी कुछ दाने निकल आए, और जैसे मैं पहले बता रही थी कि दाने आके चले जाते हैं लेकिन उनके निशान रह जाते हैं और वो ही बॉदरसम होते हैं। लोग आके चले जाते हैं और यादें रहे, यादें रहे, बिल्कुल वैसा ही है। तो हमने बड़ी ड्रामाई रिप्रेजेंटेशन कर दी है तो वो इस हिसाब से, तो इसमें सनब्लॉक ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी गोइंग है तो उनको इम्पोर्टेंट है, सन से ऑब्वियसली डायरेक्ट उनका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की क्रीम्स आती हैं, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, हाइड्रोक्विनोन होते हैं, कुछ हाइड्रोक्विनोन फ्री भी आती हैं, वो सब आपको जिक एसिड बेस्ड होती हैं, वो आप आएंगी तो डेफिनेटली मैं उनको प्रेस्क्राइब कर दूंगी, बस बड़ी प्रिसाइसली उन जगहों पर जहां जाए उस पर टच करना होता है ताकि आपका बेस कलर जो नीचे की स्किन का कलर है वो मुतासर ना हो, आहिस्ता 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 ये लाइट होते चले जाते हैं और फिर आपकी स्किन से चले जाएंगे, ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। अदरवाइज अगर ये काफी ज्यादा हो तो देन यू कैन गो फॉर पीलिंग एज वेल। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको काफी हद तक हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू लाइटन द पिगमेंटेशन, और या अगर ये तो अच्छा है कि इनको सिर्फ पिगमेंटेशन हुई है, लोगों को स्कारिंग हो जाती है अगर दाने बहुत मोटे हों, तो इसलिए इसका ख्याल करना भी जरूरी है कि मोटे दाने ना हों, और आप उनको जो है इससे पहले ही ट्रीटमेंट कर लें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद आप उसको इस तरीके से मैनेज करें कि आप डॉक्टर को दिखा दें ताकि वो राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आपको दें। अगर आप ऐसा फेस वॉश फॉर एग्जाम्पल यूज कर रही हैं जो कि ऐसा उसका था जो कि ड्राई स्किन का था और आपकी स्किन थी ऑयली, तो देन आपने बेसिक मिस्टेक ही यहां से की। और दूसरा ये कि अब सीजन चेंज हो रहा है, विंटर की तरफ जा रहा है, तो हर ऑयली स्किन भी बड़ी अच्छी कंट्रोल्ड हो जाती है, तो इधर आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अगर आप वही गर्मियों वाले यूज करेंगे देन यू विल बी इन ट्रबल। हाँ ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो कि लोग नहीं समझते, नाइट क्रीम को डे टाइम में लगा रहे होते हैं, डे क्रीम को नाइट में यूज कर रहे होते हैं, वही प्रोडक्ट सीजन चेंज हो गया, क्रीम तो है उसमें क्या फर्क पड़ता है। क्रीम तो क्रीम है, क्रीम है एज अ मॉइस्चराइजर, लेकिन उसकी जो इंडिकेशन उसकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो सबसे ज्यादा मेक्स द डिफरेंस ऑफ कॉज, वरना क्यों होता नाइट लिखा हुआ डे लिखा हुआ एंड ऑल। खैर एनीवेज कॉलर है हमारे साथ, यस अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं या कर रही हैं? मैं फरा बात कर रही हूँ, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ और मेरे तकरीबन एक महीना रह गया है। शादी में एक महीना रह गया, चले मुबारक हो सबसे पहले। हाँ, है मुबारक, पर आप मुझे बताएं भाई मेरे फेस के ऊपर छाइयां बहुत है। अच्छा छाइयां भी पहले नोज से स्टार्ट हुई, अब गाल भाई गालों पे भी आ गई और लिस्ट पे भी आ रही, आप प्लीज मुझे कोई अच्छा ट्रीटमेंट कर बताएं। तो आपके ये छाइयां कब से हैं? कब से है? दो साल हो गए, बहुत इलाज करवाया है, बहुत हकीम के पास भी गए हैं, हर जगह गए लेकिन नहीं आराम आया। ठीक है चले आपको बता देते हैं, ऑन एयर बताते हैं आपको। एक्चुअली देखिए होता हमारे यहाँ ये है कि शादी से एक आध महीने पहले या दो महीने पहले तक लोग अचानक उसमें आते हैं कि इन्होंने तो काफी इलाज, बिल्कुल इन्होंने काफी इलाज कराया, लेकिन इन्होंने जो बताया कि मैंने काफी इलाज करा के हकीम से कराया। अब हकीम और होम्योपैथिक इलाज इस केस में, मैं ये नहीं कह रही कि वो सारे हो सकता है वो नीम हकीम भी हों, और दूसरा ये है कि अगर वो वाकई सही भी है तो इनके स्किन के ऊपर इलाज का इतना तेज असर नहीं है जितना ये हमारी वाली मेडिकेशंस का ज्यादा असर होता है। हर जगह कंपैरिजन होता है कि अगर आपको कोई घुटनों जोड़ों का दर्द है तो आपको हकीम और जो होम्योपैथिक की मेडिकेशन उनसे बहुत आराम आता है कंपेयर टू ये वाली। अक्सर लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि मैं तो इतने अरसे से ब्रूफेन खा रही थी मुझे ये नहीं हो रहा, या पैनाडोल से मुझे मसला हो रहा था तो मैंने वो ले ली, तो वो एक अलग बात है। लेकिन स्किन के लिए इन दोनों का अभी तक मेरे पास जितने भी मरीज हैं, साल साल भर भी उन्होंने इलाज किया बट दे हैवन गॉट एनी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि आप इलाज डॉक्टर के पास से कराएं पहले, कोई भी किस्म की बीमारी का आज आप डॉक्टर से स्टार्ट करके देन आप ये जो पैरेलल फील्ड्स हैं उनके ऊपर जाएं, तो आपकी टाइम, आपके एफर्ट्स, आपका पैसा, आपकी लाइफ
चारों चीजें बच सकती है। अब फॉर एग्जांपल कोई कैंसर का पेशेंट कहे कि मैंने जो है ये इलाज करा के होम्योपैथिक से कराना है या वो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, होम्योपैथिक ऑलवेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास इतना टाइम है कि आप उस इतना सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारे असल में सब चीजें ये पैरेलल उसमें जा रही है, हम नहीं नहीं डॉक्टर तो होते ही फला है, हमें ये नहीं करना। सेम इसके केस में इन्होंने जो अपना टाइम वेस्ट कर दिया वो सारा उसमें कर दिया कि वो गलत हकीम के उसके चक्कर में आकर इनको फायदा नहीं हुआ। अच्छा, वैसे ही बहुत बड़ा मसला है।